आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल सिंक की प्लंबिंग पाइपलाइन फिटिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप यहां पर सामने देख रहे हैं, यहां पर ये हमने डबल सिंक की पाइपलाइन फिटिंग कर दी है। हम आपको इस वीडियो में सिंक का साइज भी बताएंगे और कितने साइज के सिंक आते हैं, सिंगल वाला और डबल वाला भी, उसकी जानकारी हम यहाँ पर देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखकर डबल सिंक की पाइपलाइन फिटिंग बहुत ही आसानी के साथ कर देंगे। और आपको जो स्लिप पड़ता है, उसका जो बीच का स्पेस छोड़ना होता है स्लिप में, वो कितना छोड़ना है, उसकी जानकारी भी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन पॉइंटों की। यहाँ पर हमारा ये टैंक वाटर का एक पॉइंट है और ये रहा हमारा एक हॉट वाटर का पॉइंट, और ऊपर आ गया है हमारा गीजर का। यहाँ पर हमारा इन दोनों में सिंक मिक्सचर लगने वाला है, और ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये भी हमारा एक टैंक वाटर का पॉइंट है, और ये है फ्रेश वाटर का मोटर की पाइपलाइन है, और ऊपर है हमारा आरओ का पॉइंट। क्लाइंट चाहें तो इसमें सिंक कॉक भी लगा सकते हैं अलग अलग, और इसमें सिंक मिक्सचर भी लगा सकते हैं, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है ये जगह। और यहाँ तो हमारा मिक्सचर ही लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके पॉइंट कितनी हाइट पर नीचे से फर्श से कितनी हाइट पर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको राय मिस्त्री से इसका जो फ्लोर का फर्श पड़ेगा उसका लेवल ले लेना है, और उससे इसकी हाइट रखनी है 42 इंची, और ये सारे पॉइंट एक लेवल में बना देने हैं। और इसका जो बीच का स्पेस रखना है, आप 6 इंची से लेकर 6.5 इंची इसका सेंटर टू सेंटर पॉइंट रख सकते हैं। सेम हमने इसका भी रख दिया है, 6 इंची से लेकर आप 6.5 इंची रख सकते हैं, उसमें हमारा मिक्सचर आसानी से फिट जाता है। और इसकी आप मार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा लगने वाला है 20x45 का डबल सिंक। डबल सिंक में साइज दो प्रकार के आते हैं, एक 18x37 का और एक 20x45 का। तो यहाँ पर हमारा 20x45 का लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड वाली दीवार से 4 इंच की जगह छोड़नी है, क्योंकि 4 इंच का हमारी स्लिप की पट्टी भी आने वाली है। तो यहाँ पर हमारा हम 4 इंच छोड़कर इसको पकड़ लेते हैं। 4 इंच छोड़कर हम वो स्लिप की पट्टी छोड़कर पकड़ेंगे, और 45 इंची यहाँ पर देख लेंगे। 45 इंची हो गया, 45 का आधा हो गया हमारा 22.5। तो हमारा 22.5 ये आ गया है, 22.5 हमारा ये आ गया था। और अब हमें इसका जो सेंटर देख रहे हैं आप, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों के सेंटर से यहाँ से इंचटे पकड़ना, इन दोनों का सेंटर ये भी 22.5 इंच रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 22.5 इंची हमने इसका इन दोनों का बीच का सेंटर, और इन दोनों का बीच का सेंटर 22.5 पर रख दिया है। ऐसे 3 इंच इधर पॉइंट, ये हॉट वाटर पॉइंट दे दिया है, ऐसे 3 इंच इधर टैंक वाटर पॉइंट दे दिया है, और इसी सेंटर से 3 इंच पॉइंट ये है साइड में, और 3 इंच ये वाला साइड में पॉइंट है। और आपको आरओ का पॉइंट इससे लगभग एक फिट से लेकर आप 15 इंची तक इसको ऊपर रख सकते हैं आरओ का पॉइंट। आरओ हमारा जो इसकी बॉक्स की फिटिंग होगी लकड़ी की, उसमें हमारा लग जाएगा, और यहाँ पर हमारा लगेगा बर्तन टांगने का स्टैंड। तो मैंने आपको सिंक का साइज बता दिया डबल का, 18x37 और 20x45। यहाँ पर यह हमने फिटिंग 20x45 की हुई है। और आपको जो इसमें यहाँ पर स्लिप पड़ता है, उसका बीच का खाँचा कितना छोड़ना है, वो भी आप समझ लीजिए इसी वीडियो में। आप जो बीच में इसमें छोड़ेंगे स्लिप में, तो वो लंबाई में छोड़ना है 42 इंची, 42 इंची लंबाई छोड़नी है उसकी, और चौड़ाई में छोड़ना है 17 इंची। तो 17 इंची हम ऐसे में छोड़ेंगे तो 1.5 इंची हमारा उधर टिक जाएगा उस पर पीछे वाली पट्टी पे, और 1.5 इंची हमारा इधर टिक जाएगा। और ऐसे में लंबाई में हम 42 इंची छोड़ेंगे तो 1.5 इंची हमारा पट्टी इधर टिक जाएगा सिंक, और 1.5 इंची इधर सिंक टिक जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 20x45 का। अगर आप 18x37 का सिंक लगाना और सिंगल सिंक आपको लगाना है, तो उसका साइज आता है 16x18 सबसे छोटा, और उससे बड़ा साइज आता है 18x24। 24 इंची लंबाई होती है और 18 इंची चौड़ाई होती है उसकी। और उनके भी आपको खाँचे छोड़ने हैं तो 3-3 इंची घटा देना है हमें। जैसे 18x24 का रख रहे हैं तो उसकी 21 इंची लंबाई छोड़नी है और 15 इंची चौड़ाई छोड़नी है उसकी खाँचे की, स्लिप के खाँचे की। तो आपका सिंक बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा। और आप प्लम्बिंग की फिटिंग करते हैं तो आपको यहाँ से 4 इंच की दीवार, मतलब ये पट्टी स्लिप की, वो छोड़नी है। और जैसे मान लीजिए
18x24 की फिटिंग करते हैं, तो यहाँ से 4 इंच की पट्टी छोड़ करके 1 फिट पे निशान मार करके उसके बीच का पॉइंट यहाँ पर रख देना है और 1 पॉइंट यहाँ पर दे देना है हॉट वाटर का और इस साइड में फ्रेश वाटर का पॉइंट दे देना है। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको किचन की फिटिंग के बारे में सब कुछ पूरी नॉलेज मिल गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लम्बर हेल्पर पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।